उस समय काकोरी डकैती चर्चा में थी। काकोरी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने माउजर का इस्तेमाल किया गया था। माउजर उस समय के हिसाब से अत्याधुनिक हथियार था जो केवल जर्मनी में ही मिल सकता था। इसे भारत में लाने का मास्टर प्लान सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया। इसके लिए सान्याल ने वाराणसी में चुनार से लेकर 80 घाट तक तैराकी की प्रतियोगिता करवाई। उस प्रतियोगिता में BHU के छात्र केशव चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला। केशव को सान्याल ने जर्मनी में होने वाली तैराकी प्रतियोगिता के लिए भेजा। इसके साथ ही केशव को यह जिम्मा सौंपा गया कि भारत के लिए मेडल लाने के साथ साथ वे 50 अत्याधुनिक माउजर की खेप भारत लेकर आए, और केशव ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन्हीं हथियारों से काकोरी कांड को सफल बनाया गया।